हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। हिंदू पौराणिक धर्म के हिसाब से एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्रदेव को एक माला उपहार में दी, पर जब इंद्रदेव धरती लोक का चक्कर लगाने गए तो उन्होंने घमंड में आकर वो माला अपने गले में से उतार कर रास्ते में ही फेंक दी। और थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो उनको वो माला दिख गई और ऋषि उस माला को पहचान गए। फिर दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया, तब उन्होंने गुस्से में आकर इंद्रदेव और बाकी देवताओं को श्राप दिया कि तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, और उस श्राप की वजह से सारे देवता कमज़ोर और शक्तिहीन हो गए। और इसी बात का फायदा उठाकर राक्षसों के राजा बलि ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। फिर सब देवता विष्णु भगवान के पास गए, तब विष्णु भगवान ने कहा कि आप सभी लोग अब समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में से निकलने वाले रत्नों और शक्तियों से आप लोगों की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और देवताओं को अमृत भी मिल जाएगा। पर देवताओं ने कहा कि अब हम सब श्राप की वजह से इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अकेले मंथन नहीं कर सकते। तब विष्णु भगवान ने राक्षसों को मंथन के बारे में बताया और कहा कि इसमें से निकलने वाला अमृत हम देवता और तुम राक्षस आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तब राक्षस मान गए और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन को मथने के लिए मृदांचल पर्वत को इस्तेमाल किया गया, जो कि अब बिहार में लोकेटेड है। पर्वत को दोनों ओर से खींचने के लिए वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया, जिसमें वासुकी नाग की पूंछ का हिस्सा देवताओं ने पकड़ा और मुंह का हिस्सा असुरों ने पकड़ा। उसी दौरान जब पत्थर डूबने वाला था तो विष्णु भगवान ने खुद कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। मंथन कई सालों तक चला। मंथन में से कई चीज़ें निकली, जैसे कि लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता के निकलने के बाद सब लोग उनसे शादी करना चाहते थे, पर उन्होंने विष्णु भगवान को चुना और उनसे विवाह कर लिया। लक्ष्मी माता के बाद निकला ऐरावत हाथी, जिसको कि इंद्रदेव ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, जो कि विष्णु भगवान ने अपने हृदय में स्थापित की। कल्प वृक्ष, ये पेड़ सभी की सारी इच्छाएँ पूरी करता था और इंद्रदेव ने इस पेड़ को स्वर्ग में लगाया। और इसके बाद निकली कामधेनु गाय, जो कि कल्प वृक्ष की तरह ही सारी इच्छाएं पूरी करती है, और इस गाय को गुरु वशिष्ठ को दे दी गई। फिर निकला प्रतिजत पेड़, ये भी स्वर्ग में स्थापित है और इससे देवी देवताओं को पूजा जाता है। फिर वारुणी निकली, मतलब शराब, इसे असुरों को दिया गया। इसके बाद प्रकट हुई रंभा, जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है। उसके बाद निकला पंचजन्य शंख, जो कि भगवान विष्णु को दिया गया। काफ़ी रत्न और शक्तियों के निकलने के बाद निकला हलाहल विष। वो जहर इतना खतरनाक था कि अगर उसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो पूरी दुनिया का अंत हो जाता। तो सभी देवताओं ने और असुरों ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। इसी वजह से भोले बाबा को नीलकंठ भी बोला जाता है। जब सारी शक्तियाँ और रत्न निकल गए, तब आखिर में मंथन में से निकला अमृत। तब विष्णु भगवान ने सुंदर मोहिनी का रूप लिया और सभी असुरों को मग्न मुग्ध कर दिया। इतने में सभी देवताओं ने अमृत ग्रहण कर लिया।